कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जहां समाज के हर तबके के लोग बेचैन हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वायरस से लड़ाई में देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि बेहद ही काबिले तारीफ है। इसी को देखते हुए मंगलवार को गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर के तले कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का कार्य किया गया। बता दें कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा गाजीपुर की सम्मानित पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा किट प्रदान किया गया। इसके साथ ही गरीब निसहाय लोगों में भी जरूरत की चीजें वितरित की गईं एवं कोरोना से बचाव के लिए आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य भी किया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नागमणि मिश्रा ने कहा कि लोग दो गज की दूरी बनाकर ही रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंड वॉश से साफ करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में आज हमारे समाज में पैठ बनाकर बैठ गया है, जिसको हम सबको मिलजुल कर इस समाज से उखाड़ फेंकना है। लगातार आप लोगों को सैनिटाइज मास्क बांट रहे हैं, आप तक कितने लोगों को बांट चुके हैं, आगे की क्या योजना? भैया हम लोग जो मास्क और सैनिटाइज बांट रहे हैं इसमें गिनती नहीं है, जो जैसा नीडी है सबको। जैसे कि आज हम लोग का जो कार्यक्रम था गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रग स्टेशन के तत्वाधान में, कोरोना वॉरियर्स जैसे कि सफाई कर्मी, चिकित्सक, पुलिस, इन सबको एक अपने तरफ से सब प्रेम भेंट उनको देना था। तो हम लोग नवागंज से लेकर के घोरा बाजार तक, कोतवाली, जितने भी पुलिसकर्मी, होमगार्ड सिपाही, सबको देते हुए हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1000 ग्लव्स CMS साहब को दिया गया उनको सुविधा के लिए। उसके बाद सारे जितने भी तबके, गरीब चाहे, सबको बांटते हुए हम लोग आए हुए हैं। लोगों को आप बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर स्प्रे बांट रहे हैं, साथ ही आप लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं? हाँ, साथ में अवेयर भी किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के न घूमे, और सैनिटाइजर है, जब भी किसी के संपर्क में आता चाहे छूता चाहे उसको हाथ को सैनिटाइज करे, और उसके बाद कम से कम एक दूसरे व्यक्ति के बीच सोशल डिस्टेंसिंग, यही कोरोना का सबसे बड़ा बचाव है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तभी कोरोना से बचाव हो सकता है, इसका भी दिया जा रहा है। पिछले दिनों बनारस की दवा मंडी में कोरोना पॉजिटिव कई व्यापारी मिले, कई कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हुए मिले, उसके बाद आप लोगों ने जिला प्रशासन से कोई मांग की है कि यहाँ पे भी लोगों के टेस्ट होने चाहिए दवा? विगत तकरीबन 3 या 4 तारीख में मैंने DM साहब को एक लेटर लिख करके उनको सूचित किया था कि बनारस पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, वहाँ से हर दुकानदार कुछ आते जाते रहते हैं, और उसके लिए उनको हमने आगाह किया था कि इस यहाँ भी जांच की जाए कि वहाँ पर जो दवा लेने गए हैं कहीं वो भी संक्रमित ना हो, उनको लेटर देकर के हमने उनको संज्ञान में दिया था। अभी कोई कार्रवाई नहीं उस पर, कोई CMO साहब ने हमको उस पर बात किया था कि कुछ लोग की जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। महामंत्री ब्रजेश पांडे ने लोगों से अपील की और कहा कि वो सरकार के और पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर कोरोना वायरस से लोहा लेकर उसको हराएं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने भी सभी सफाई कर्मियों को जागरूक किया और एसोसिएशन के साथ मिलकर योद्धाओं को कोरोना योद्धा किट प्रदान किया, साथ ही एसोसिएशन का आभार भी व्यक्त किया। इस सम्मान कार्य का संचालन एसोसिएशन के महामंत्री ब्रजेश पांडे ने किया। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और सभासद संजय कटियार, राजेश राय, ज्योति भूषण चौरसिया, नवीन राय, अभय प्रकाश, राकेश त्रिपाठी, अतुल अग्रवाल, राजीव भारती, गुड्डू केशरी, अजय सराफ, जगदीश कुशवाहा, रवि केडिया, कुशल पांडे, देवेंद्र प्रताप सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।